हेलो दोस्तों, बंबू आर्ट में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्धरण। ये जरूरी है कि हम हमारी राष्ट्रीय पहचान के बारे में सोचें, जिसके बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। भारत जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, उसका मूल कारण इसकी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा है। अवसरवाद ने राजनीति में लोगों के विश्वास को हिला कर रख दिया है। किसी सिद्धांत को न मानने वाले अवसरवादी हमारे देश की राजनीति नियंत्रित करते हैं। हम लोगों ने अंग्रेजी वस्तुओं का विरोध करने में तब गर्व महसूस किया था जब वे अंग्रेज हम पर शासन करते थे, पर हैरत की बात है अब जब अंग्रेज जा चुके हैं, पश्चिमीकरण प्रगति का पर्याय बन चुका है। पश्चिमी विज्ञान और पश्चिमी जीवन दो अलग अलग चीजें हैं, जहां पश्चिमी विज्ञान सार्वभौमिक है और यदि हमें आगे बढ़ना है तो इसे हमारे द्वारा अवश्य अपनाया जाना चाहिए। वही पश्चिमी जीवन और मूल्यों के बारे में ये बात सत्य नहीं है। पिछले 1000 वर्षों में हमने जो भी आत्मसात किया, चाहे वो हम पर थोपा गया या हमने स्वेच्छा से अपनाया, उसे अब छोड़ा नहीं जा सकता। मानवीय ज्ञान आम संपत्ति है। स्वतंत्रता तभी सार्थक हो सकती है यदि वो हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति का साधन बन जाए। भारतीय संस्कृति की मौलिक विशेषता है कि यह जीवन को एक एकीकृत समग्र रूप में देखती है। वहाँ जीवन में विविधता और बहुलता है, लेकिन हमने हमेशा इसके पीछे की एकता को खोजने का प्रयास किया है। मुसलमान हमारे शरीर का शरीर और खून का खून है। शक्ति हमारे असंयत व्यवहार में नहीं बल्कि संयत कार्रवाई में निहित है। अनेकता में एकता और विभिन्न रूपों में एकता की अभिव्यक्ति भारतीय संस्कृति की सोच रही है। मानव प्रकृति में दोनों प्रवृत्तियां रही है, एक तरफ क्रोध और लोभ तो दूसरी तरफ प्रेम और त्याग। नैतिकता के सिद्धांत किसी के द्वारा बनाए नहीं जाते बल्कि खोजे जाते हैं। अंग्रेजी शब्द रिलीजन धर्म के लिए सही शब्द नहीं है। धर्म एक बहुत व्यापक विचार है जो समाज को बनाए रखने के सभी पहलुओं से संबंधित है। धर्म के मूल सिद्धांत शाश्वत और सार्वभौमिक हैं, हालांकि उनका क्रियान्वयन समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। एक बीज जड़ों, तानों, शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों के रूप में अभिव्यक्त होता है। इन सभी के अलग अलग रूप, रंग और गुण होते हैं। फिर भी हम बीज के माध्यम से उनकी एकता के संबंध को पहचानते हैं। भारत में नैतिकता के सिद्धांतों को धर्म कहा जाता है, जीवन जीने की विधि। जब स्वभाव को धर्म के सिद्धांतों के अनुसार बदला जाता है, तब हमें संस्कृति और सभ्यता प्राप्त होते हैं। यहाँ भारत में हमने अपने समक्ष मानव के समग्र विकास के लिए शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की 4 स्तरीय जिम्मेदारियों का आदर्श रखा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ की लालसा मनुष्यों में जन्मजात होती है और समग्र रूप में इनकी संतुष्टि भारतीय संस्कृति का सार है। जब राज्य सभी शक्तियों, दोनों राजनीतिक और आर्थिक का अधिग्रहण कर लेता है, तो इसका परिणाम धर्म का पतन होता है। एक देश लोगों का समूह है जो एक लक्ष्य, एक आदर्श, एक मिशन के साथ जीते हैं और धरती के एक टुकड़े को मातृभूमि के रूप में देखते हैं। यदि आदर्श या मातृभूमि इन दोनों में से एक भी नहीं है तो देश का कोई अस्तित्व नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। कृपया कर लाइक और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आप अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद।